कमरी के इलाके बोलान में दहशतगर्दी का नया वाकया। हमलावर मोटरसाइकिल पर धमाका खेज मवाद लाद कर आया, पुलिस वैन से टकरा दिया। 9 से ज़ायद पुलिस अहलकार मारे गए जबकि 13 से ज़ायद जख्मी हुए। एक सिक्योरिटी अफसर ने बताया कि यह हमला खास तौर पर पुलिस वैन पर ही किया गया है। ये पुलिस वैन सिब्बी फेस्टिवल से अपनी ड्यूटी के बाद वापस आ रही थी। ताकतवर धमाका दूर दूर तक के इलाके में सुना गया। तफ्तीशी अफसरान का कहना है कि हम इस वक्त तमाम सबूत मलबे से ढूंढ रहे हैं। बकौल सिक्योरिटी अफसर, इन दहशतगर्दों का असल निशाना सिब्बी मेला था जो इतवार को ख़त्म हो गया। जब वो इस सदी पुराने तारीखी मेले पर हमला ना कर सके तो फिर उन्होंने वहां से वापसी पर आते हुए पुलिस वैन को निशाना बना डाला। ये पुलिस वैन सिब्बी से कोयटा जा रही थी जब कंबारी के ब्रिज के पास, जो सिब्बी और किच्ची ज़िला के दरमियान सरहदी इलाके के पास है, हमला किया गया। एसएसपी महमूद नोटज़ई के मुताबिक ये हमला खुदकुश था। यके बाद दीगर शायद सिर्फ एक माह की मुद्दत में ये चौथा दहशतगर्दी का वाकया है और हमारी हुकूमत और खुफिया एजेंसियां सिर्फ दिलासे देने, बुलंद बाग दावे और सबूत तलाश करने के सिवा कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पार्लियामेंट में इस पर संजीदगी से बात की जाए और माजी और हाल में जो लोग भी इन दहशतगर्दी का निशाना बने हैं और जो इसके पीछे मुहर्रिक रहे हैं, चाहे वो सिविलियन हो या फौजी, सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट, सबको गिरफ्त में लाया जाए। हम कब तक से मजम्मती करारदाद से काम चलाते रहेंगे? पिशावर मस्जिद का हादसा, फिर कराची पुलिस स्टेशन, फिर बलूचिस्तान और अब सिब्बी में ये सानहा क्या सिर्फ बयानबाजी से हल हो जाएंगे? बलूचिस्तान के वजीर आला ने इसकी शदीद मजम्मत की है और वही रटा पिटा बयान दाग दिया कि मुजरिम बच नहीं पाएंगे, वो अपनी सजाओं से नहीं बच जाएंगे। वजीर आला ने जख्मियों की तिब्बी इमदाद के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजने का हुक्म सादर किया है। उन्होंने कहा कि इस बार मुजरिम हमारे शिकंजे से नहीं निकल पाएंगे और मरने वालों के लवाहिकीन के साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा। वजीर दाखला की हिदायत पर जख्मियों को कोयटा बेहतर तिब्बी सहूलत के लिए फौरी तौर पर भेज दिया गया है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। दहशतगर्दी का सिलसिला एक बार फिर चल पड़ा है। हम इस पर किसी फोरम पर खुलकर बात करने को तैयार नहीं हैं। हम इस मौजू को नाजुक कहकर टाल देते हैं, फिर इसकी खोज कहाँ लगाई जाएगी? पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इब्तदा जनरल ज़िया ने की और उसे उरूज पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पहुँचा दिया। दोनों दुनिया में नहीं रहे हैं। हम अब किससे पूछें और क्या इलाज करें? पहली शर्त यह है कि हम एक दूसरे से सच बोलें और कौमी मफाद के आगे किसी मफाद को हावी ना होने दें।